हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो गूगल शीट की है और गूगल शीट में क्या खास है आज आपको बताऊंगा। हर वीडियो में कुछ ना कुछ खास जरूर लेके आता हूं, तो इस वीडियो में खास क्या है आइए आपको दिखाता हूं और समझाता हूं कि आज के इस वीडियो में खास क्या होने वाला है। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर दूंगा इसका, ताकि थोड़ा सा ये फॉर्मेटेड लगे डेटा हमें। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है हमें, इसको सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट किया ना, ये रेंज, अब ध्यान दीजिएगा इसमें केवल और केवल नंबर्स हैं, यानी सब्जेक्ट वन के नंबर्स आपको दिख रहे हैं, समझ में आई बात। अब आपको कहाँ जाना है, फॉर्मेट टैब पे जाना है और यहां से आ जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। जैसे ही आते हैं आपको यहां पर दिखेगा फॉर्मेट रूल्स, तो यहां पे आ जाइएगा और यहां पर आने के बाद यहां पे देखिए ये दिया हुआ है लेस देन दिया हुआ है, ठीक है, और यहां दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू, तो यहां लेस देन इक्वल टू सेलेक्ट करना है और यहां आपको वैल्यू देना है लेस देन और इक्वल टू 50 दे दिया हमने। अब 50 देते हैं यहां पे ग्रीन कलर आने लगा, तो यहां पर जाकर के आपको ये कलर चेंज करना है। ये सब खतरा वाले हैं, सब फेल हैं सब, तो ये यहां पे ये रेड कलर में ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहां से टेक्स्ट का कलर बदल सकते हैं और ये क्लियरली आपको दिखाई देगा। तो यहां पे देखेंगे तो जो भी इसमें इस रेंज में आएगा उन सबका कलर यही हो जाएगा, इसी कलर का हो जाएगा, समझ में आ रही है बात। तो ये कुछ इस तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। अगर आपको कम नंबर वाले स्टूडेंट्स को सर्कल करना है या फिर इस तरह का करना है तो आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे रेड कलर में आ गए,